अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस अहमद है। मैं पंजगुर से ताल्लुक रखता हूँ और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। तीन लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, बलूचिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम अल-हिज्रा रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज जिन्हें कैंपस ज़ियारत है। यह बिल्कुल ही फ्री बच्चों को पढ़ाता है और इस ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ मुकाबला कर रहा है और इसके हमेशा रिजल्ट 100% आता है। आज जैसा कि आज सर अब्दुल फताह शमरू साहब ने बताया, सबसे पहले ज़िंदगी का प्लान बनाना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी का प्लान नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस वजह से पढ़ रहे हैं। इस वजह से हम पढ़ भी नहीं सकते। जिस चीज़ में आपको खुद का ख्वाहिश है उसी चीज़ में हमें जाना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ में हम 20 अगर घंटे पढ़ें हमें फिर भी बोरियत हासिल नहीं हो बोरियत महसूस नहीं होगी। सबसे पहले मेरी खुद की जो ख्वाहिश है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्योंकि मुझे बचपन से कंप्यूटर एंड मोबाइल के साथ शौक और लगन था। आजकल हमारे इस ज़माने में बच्चों को कंप्यूटर्स के और मोबाइल के सोशल मीडिया के नुकसान तो बता देते हैं लेकिन फ़ायद नहीं बताते हैं, लेकिन इसके फ़ायद बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि नुकसान इसके कम हैं लेकिन फ़ायद बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए सोशल मीडिया की तरफ भी बच्चों को ले जाना चाहिए और जो बलूचिस्तान के गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अल-हिज्रा का टेस्ट दे दें और अल-हिज्रा के जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन में टेस्ट दे दें और ज्वाइन करें। अस्सलाम।